ये दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हैं? नशे की हालत में धुंधली आंखों से सारा को अपनी जिंदगी की ये सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। सारा का बॉयफ्रेंड ऋषभ और उसकी बहन साक्षी एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि थोड़ी ही दूर पर खड़ी सारा भी उन्हें नजर नहीं आई। जो बातें ऋषभ ने कुछ देर पहले सारा से कही थी, वही बातें अब वो साक्षी के साथ कर रहा था। साक्षी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और सेंसिबल लड़की हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन बिल्कुल ऑपोजिट, ना तो उसके पास शक्ल है और ना ही अकल। सारा को इनकी बातों से मालूम पड़ा है कि इन दोनों ने न सिर्फ सारा को इतना बड़ा धोखा दिया, बल्कि अपने मतलब और पैसों के लिए उसे उसी के पिता के साथ मिलकर बेच तक दिया था। कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है, कैसे? सारा का सर बहुत तेज घूमने लगा और उसे याद आया कि शायद ऋषभ और साक्षी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। चक्कर खाकर वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि पीछे से एक आदमी ने आकर उसे थाम लिया। इसके बाद ये आदमी सारा को एक होटल रूम में ले गया। नशे की हालत में सही गलत का फैसला ना कर पाने की वजह से उस आदमी को उसने अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने होश खोने लगी, और उसके बाद जो हुआ उसे सारा होने से रोक नहीं पाई। इस एक रात ने सारा की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इतना सब कुछ होने के बाद सारा सब कुछ छोड़कर लंदन चली जाती है। लंदन जाने के कुछ टाइम बाद सारा की लाइफ में एक बच्ची आती है, जिससे सारा का अकेलापन तो दूर हो जाता है, लेकिन अपने साथ हुए धोखे को वो एक पल के लिए भी भुला नहीं पाती। और एक दिन समय आ गया है इंडिया वापस जाकर अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने का। आखिर कौन है ये जिसके साथ सारा इंडिया अपना बदला लेने वापस आ रही है, और कौन था वो आदमी, और क्या अब भी वो सारा की लाइफ में मौजूद है? ये कहानी अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांटिक स्टोरी ट्रूली डीपली मैडली ओनली ऑन पॉकेट एफएम।